हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर ली है। तमाम एग्जिट पोल में आगे दिखाए जाने के बावजूद भी कांग्रेस को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब कांग्रेस की इस हार को लेकर AIMIM पार्टी के प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है। उन्होंने कांग्रेस की नाकामी को हरियाणा में हार की वजह बताया है। ओवैसी ने EVM पर लग रहे आरोपों पर भी बयान दिया है। AIMIM पार्टी के प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस की नाकामी की वजह से ही हरियाणा में उनकी हार हुई है। ओवैसी ने कहा कि हरियाणा में तो हम नहीं लड़े, फिर वहाँ बी टीम कौन रही। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस के खुद के अंदरूनी मुद्दों ने ही उन्हें हरा दिया। मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही उनकी हार हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के लिए कांग्रेस द्वारा EVM को जिम्मेदार ठहराए जाने पर अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि EVM को जिम्मेदार ठहराना बहुत आसान है। आप EVM की वजह से जीतते हैं और जब हारते हैं तो यह गलत है। अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मेरा मानना है कि भाजपा को यह राज्य हारना चाहिए था। कई ऐसे कारक थे जो उनके खिलाफ जा रहे थे। बता दें कि हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर से EVM की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम पर भी बात की। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की जनता ने आर्टिकल 370 पर लिए गए फैसले को नकारते हुए BJP को हराया है। ओवैसी ने यह भी कहा कि भाजपा वहां इतनी सीटें कैसे जीत गई, ये सेक्युलर लोगों को सोचना चाहिए।